नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र का चुनावी रण काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। महायुति और महाविकास अघाड़ी में शामिल सभी दल अपने अपने हिसाब से वोटरों को रिझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सबकी नजर एक खास फैक्टर पर है और वो है डी फैक्टर। ये डी फैक्टर इतना कारगर है कि बीते लोकसभा चुनाव में न सिर्फ बीजेपी का ग्राफ नीचे गिरा दिया था बल्कि महाविकास अघाड़ी की सीटों की संख्या बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, इस फैक्टर की वजह से बीजेपी महाराष्ट्र में लगातार पिछड़ती भी नजर आ रही है। आखिर क्या है ये डी फैक्टर और महाराष्ट्र में क्या है इसकी ताकत, यह रिपोर्ट देखिए। इंडस्ट्री में देख लीजिए, 250 सबसे बड़े बिजनेसमैन निकाल लीजिए, लिस्ट निकाल लीजिए और मुझे बताइए उस लिस्ट में दलित कौन है। बीजेपी अपनी नीतियों से वंचित समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ लूटना जानती है। कांग्रेस गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है। लोकसभा का फॉर्मूला हिट, विधानसभा में होगा रिपीट। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की। जिस वजह से गिरा बीजेपी का ग्राफ, अब की बार किसका करेगा हिस्सा। महाराष्ट्र का डी फैक्टर किसका क्लोज करेंगे चैप्टर। महाराष्ट्र जहां की पूरी सियासी फिजा इस वक्त चुनावी हो चुकी, हर ओर नेताओं के कैंपेन और चुनावी नारों की गूंज सुनाई दे रही, जनता एक एक को भांप रही है, सबके सुध ले रही, सब पर नजर रख रही। पूरे देश की भी नजर अब की बार के महाराष्ट्र चुनाव पर है, क्योंकि इस बार का महाराष्ट्र चुनाव न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश की भी सियासत की दशा और दिशा पर गहरा असर डालने वाला है। जिसमें सबसे अहम रोल रहने वाला है डी फैक्टर का, यानी दलित, जिसके इर्द गिर्द पूरी सियासत घूम रही। तमाम पार्टियां हो या फिर प्रदेश का दोनों मुख्य गठबंधन, सभी इस बिरादरी पर टकटकी लगाए देख रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में दलित वोटर्स को लुभाने के लिए न सिर्फ सियासी पार्टियां उनके लिए लोक लुभावने वादे कर रही, बल्कि अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में भी इसकी झलक दिखा रही। बीजेपी अपने कोटे से अब तक 99 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी, जिसमें से 4 दलित चेहरे हैं। वहीं कांग्रेस अब तक अपने 48 कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर चुकी, जिसमें से 3 दलित चेहरे। सवाल उठता है कि आखिर महाराष्ट्र में दलित वोट बैंक के पीछे तमाम सियासी पार्टियां अपना गुणागणित क्यों लगा रही। तो इसका जवाब है प्रदेश में दलितों की आबादी का समीकरण और उसकी ताकत। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की आबादी का 11.81% दलित समाज के लोग। प्रदेश के 36 जिलों में से 21 में कम से कम 5 लाख अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र है, जिसमें सबसे बड़ी SC आबादी वाले जिले पुणे, नागपुर और ठाणे। महाराष्ट्र में SC यानी अनुसूचित जाति में तकरीबन 57 जातियां शामिल, जिसमें सबसे ज्यादा 30-40% जाटव की आबादी। वही महार 20-30, मंग्स 10-20, धोबी भी 10-20 और चंभर जाति से ताल्लुक रखने वालों की संख्या लगभग 5-10% के करीब। आबादी की बहुलता को देखते हुए प्रदेश की 288 विधानसभा सीटों में से 29 और लोकसभा के 48 में से 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। 29 आरक्षित विधानसभा सीटों के अलावा 67 ऐसे भी निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां दलितों की कुल आबादी क्षेत्र की जनसंख्या में कम से कम 15% का हिस्सा रखती है। जाहिर है इतनी सीटें किसी भी पार्टी या गठबंधन की सरकार बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखती है। चूंकि दलित बिरादरी की अस्मिता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान से जुड़ी है, उनके बनाए संविधान और संविधान प्रदत्त आरक्षण से जुड़ा है, लिहाजा तमाम सियासी दल संविधान और आरक्षण के मुद्दे को चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा बना चुके हैं। फाउंडेशन यही है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो लड़ाई इसकी है। स्ट्रेटेजी ये है
मगर आगे क्या करना है। अगर हम कहें कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, तो फिर अगला पूछेगा भाई हां ठीक है मगर कैसे, एक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की। तो दो तीन सिंपल से एक्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का, रिजर्वेशन की जो दीवार है 50% वाली, इसको तोड़कर हटाने का। क्योंकि आबादी 90% है। बीजेपी अपनी नीतियों से वंचित समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ लूटना जानती है। कांग्रेस गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है। कमजोर और गरीब भारत कांग्रेस को उसकी राजनीति को बहुत सूट करता है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। दरअसल ये सारा ताना बाना दलित वोटों के लिए बुना जा रहा है। मौजूदा वक्त में देखा जाए तो बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के गठबंधन वाली महायुति के पास 29 रिजर्व विधानसभा में से 21 सीटें, वही महज 8 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के सिटिंग एमएलए। सिटिंग विधायकों की गिनती या फिर यू कह लीजिए कि मौजूदा सिटिंग सीटों के समीकरण के लिहाज से भले ही अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व सीटों पर महायुति का कब्जा हो, लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डाले तो पता चलता है कि दलित वोटरों का बहुत बड़ा वर्ग बीजेपी से छिटक कर महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया ब्लॉक को शिफ्ट हो चुका है। क्योंकि अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व सभी 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने जीत दर्ज की थी, जबकि इन 5 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उनके सहयोगी रही उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली अविभाजित शिवसेना का कब्जा था। सीटों के लिहाज से देखें तो लातूर, रामटेक, सोलापुर, अमरावती और शिरडी लोकसभा की सीट एससी के लिए आरक्षित, जिनमें से शिरडी पर जहां शिवसेना यूबीटी ने कब्जा जमाया तो वहीं बाकी के सभी 4 सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट को जीत मिली। इतना ही नहीं, एससी के लिए आरक्षित 29 विधानसभा सीटों में से 21 सीटों पर लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास अघाड़ी के दल ही आगे रहे, वहीं महज 8 सीटों पर महायुति की पार्टियां आगे रहीं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार सीटें जीत लेगी तो वो संविधान बदल देगी। कांग्रेस के इस प्रचार का सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हुआ, और उसके बाद कहीं नुकसान हुआ तो राज्य था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 5 सीटें थी, 5 की 5 सीटें महाविकास आघाड़ी ने जीती और 25 सीटों पर दलित वोट निर्णायक तौर पर खड़े रहे। 2019 में प्रकाश अंबेडकर ने विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट लिए थे, जिसका वोटिंग परसेंटेज 5.5% था। फिर भी इस बार प्रकाश अंबेडकर के साथ दलित समाज खड़ा नहीं हुआ, वो मजबूती के साथ महाविकास आघाड़ी के साथ खड़ा हुआ नजर आया। कुल मिलाकर कहा जाए तो 2019 के विधानसभा चुनाव में प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी के कारण दलित वोट बट गए थे, जिस वजह से कई रिजर्व सीटों पर कांग्रेस और एनसीपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी का प्रभाव और वोट परसेंटेज घटने से इस बार वोट कटने के आसार काफी कम है, जिससे महाविकास आघाड़ी के दलों को पूरी उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में भी दलित वोटर्स का झुकाव उनकी तरफ ही रहेगा। आगामी महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें महाराष्ट्र का मुसलमान, महाराष्ट्र का दलित, महाराष्ट्र का ओबीसी, महाराष्ट्र का मराठा, अगड़ा, पिछड़ा, सब महाविकास आघाड़ी के साथ है। क्योंकि मुस्लिमों ने देख लिया ना कि अगर इनको वोट न करो तो लोग वोट जिहादी कहते हैं, तो फिर महाविकास आघाड़ी के लोग साथ जाना पसंद कर रहे हैं। और दलित समाज बोल रहा है कि हमारे संविधान को लोग खत्म करना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, तो वो महाविकास आघाड़ी के साथ जा रहे हैं। मराठा कह रहे हैं कि ये लोग हमें आरक्षण नहीं दे रहे, तो मराठा महाविकास आघाड़ी के साथ जा रहे हैं। ओबीसी वर्ग कह रहा है कि हम तो शुरू से महाविकास आघाड़ी के साथ रहे हैं, तो महाविकास आघाड़ी के साथ जा रहे हैं। तो महाविकास आघाड़ी सबकी पहली पसंद है और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। लोकसभा चुनाव के दरमियान महाराष्ट्र की जनता ने यह दर्शा दिया था कि उन्हें महाविकास आघाड़ी ही पसंद है। महायुति को उन्होंने नकारा था और सब तरह के लोगों ने महाविकास आघाड़ी को अपना वोट दिया था।
आने वाले विधानसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र की जनता महाविकास अघाड़ी को समर्थन देगी, वोट देगी और उसका हमें फायदा होगा। हम सब मिलकर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे मिलकर महाराष्ट्र की जनता जो है उनकी सेवा करेंगे और ये चीज महाराष्ट्र की जनता जान चुकी है। इसलिए आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता जो है महाविकास अघाड़ी को समर्थन देकर उन्हें वोट दे। महाविकास अघाड़ी के दलों के दावे में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पिछले कुछ चुनावों का रिजल्ट देखें तो दलितों के लिए रिजर्व सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगियों का ग्राफ लगातार गिर रहा है। 2014 में बीजेपी जहां अकेले दम पर चुनाव लड़कर 29 में से 15 सीटें और 28.67% वोट हासिल की थी, वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में अविभाजित शिवसेना के साथ होने के बावजूद भी महज 9 सीटें ही जीत पाई थी। वोट शेयर भी घटकर 25.12% रह गया था। अविभाजित शिवसेना जहां 2014 के चुनाव में 29 में से 9 सीट और 20.38% वोट पाने में सफल रही थी, वहीं 2019 में बीजेपी के साथ होने के बावजूद भी शिवसेना सिर्फ 5 सीट ही जीत पाई, वोट शेयर भी घटकर 15.53% पर आ गया था। इधर कांग्रेस जहां 2014 में महज 2 सीटें और 16.79% वोट पाई थी, वहीं 2019 के चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ बढ़कर 7 सीट और 17.21% वोट शेयर हो गया था। कांग्रेस के सहयोगी शरद पवार के एनसीपी को 2014 में 3 सीटें और 14.73% वोट मिले थे, वहीं 2019 में आकर एनसीपी का ग्राफ दोगुना होकर 6 सीटों पर आ गई, वोट शेयर भी बढ़कर 17.37% पर जा पहुंचा था। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि बीजेपी का ग्राफ दलित बहुल इलाकों में चुनाव दर चुनाव लगातार गिर रहा है। हालांकि महायुति में शामिल दलों की माने तो लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से गलत नैरेटिव सेट किया गया जिसका नुकसान महायुति को उठाना पड़ा था, लेकिन बीते 5 महीनों में प्रदेश का सियासी माहौल बदल गया। झूठ की दुकान और झूठ की मकान लगातार नहीं चलती। राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की झूठ की दुकान और झूठ की मकान लोगों को ध्यान में आई है और इसके लिए अभी तो मतदाताओं में रोष है कि मतदान करने नहीं मिला, मतदान लोकसभा में लिस्ट में गड़बड़ी थी और वोटिंग परसेंट भी कम हुआ। आप रोष है, बदले की भावना है और महायुति को बड़ा मतदार करें। आपने अब्दुल सत्तार को भी टिकट दिया है, सना मलिक को भी टिकट दिया है, बहुत सारे दलित भाइयों को भी हमने टिकट दिया है और जो 99 उम्मीदवारों का सूची अब तक बाकी है उसमें भी हम उनको एडजस्ट करेंगे। इसके लिए जो इस बार दलित और मुसलमान भाई बहन समझदार है, वो होशियार है और महायुति की सरकार को ही चुन के वो फिर से देंगे, क्योंकि महायुति की सरकार फेस टू फेस सरकार है, 24 घंटा काम करने वाली सरकार है, महाराष्ट्र के हित में काम करने वाली सरकार है और फेसबुक लाइव का सरकार उद्धव ठाकरे जी जैसे हम नहीं चलाते, हम काम करने वाली सरकार है और लोग काम करने वाले लोगों को फिर से मौका देंगे। महायुति के नेताओं का अपना दावा है, लेकिन बात अगर वोट शेयर की करें तो CSDS के एक सर्वे के मुताबिक बीते लोकसभा चुनाव में 46% दलितों ने कांग्रेस और उनके सहयोगियों यानी इंडिया ब्लॉक को वोट किया था, वहीं 35% के करीब दलित वोटर्स ने बीजेपी और उनके सहयोगियों यानी NDA के पक्ष में अपना मतदान किया था। यानी सीटों से लेकर घटते वोट शेयर तक बीजेपी और उनके सहयोगी दलों की चिंता बढ़ा रखी। हालांकि अब की बार बीजेपी दलित वोटर्स को लुभाने के लिए खास तरीके से भी जुटी। दरअसल पिछले चुनावों और बीते लोकसभा चुनाव में छिटके दलित वोटर्स को वापस अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी और महायुति नए सिरे से कई और रणनीति पर काम कर रही है। मसलन आरक्षण को लेकर राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान पर आक्रामक प्रचार, दलित वोटर्स के साथ संवाद बढ़ाना, नव बौद्ध उम्मीदवारों को तवज्जो देना और मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के जरिए महिला वोटर्स को साधने की कोशिश भी जारी। हालांकि महायुति में सक्षम दलित नेतृत्व की कमी होने की वजह से इस गठबंधन को थोड़ी चिंता जरूर हो रही होगी। बावजूद इसके बीजेपी दलित वोटर्स में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है। दलित वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी ने बस्ती संपर्क अभियान चला रखा है, जिसके तहत अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व
29 सीटों पर बीजेपी लगातार बैठकें आयोजित कर रही है, जिससे दलित समाज और बीजेपी के बीच जो दूरियां बन गई थी और जो संपर्क कम हुआ था उसे तेज किया जा सके। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महायुति की पार्टियां विधानसभा चुनाव में अपने लिए दलित वोटर्स को साधने में कामयाब हो पाएंगी। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी ने 15 और शिवसेना ने 9 दलित सीटों पर चुनाव लड़ा था और वो जीती थी। उसमें ये सबसे बड़ी बात रही कि दोनों की ताकत जुड़वा थी। अब ये दोनों ताकतें अलग हो गई है तो बीजेपी के सामने बड़ी मुश्किल हो गई है कि आखिर वो दलित मतदाताओं को कैसे रिझाए और अपने साथ कैसे जोड़े रखे। अब मुश्किल यह है कि दलित मतदाता मूल रूप से बीजेपी के साथ कभी रहा नहीं और लोकसभा चुनाव में देखा कि एक भी सीट दलित मतदाताओं के साथ में वो जीत नहीं पाए, तो बीजेपी निश्चित रूप से मुश्किल में तो है और उस मुश्किल को कैसे ठीक किया जाए, बीजेपी के नेता महाराष्ट्र में इसी संकट से जूझ रहे हैं। इधर महाविकास अघाड़ी भी दलित समाज को लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा में भी अपने साथ रखने की पूरी कोशिश में। इसके लिए महाविकास अघाड़ी की रणनीति है कि बीजेपी से संविधान को खतरे का मुद्दा आगे भी बढ़ाए रखना है। इसके अलावा दलित सरकारी अधिकारियों से जुड़े मामले, अनुसूचित जाति से जुड़े महामंडल के पास पैसों की कमी के साथ ही बार्टी योजना का फंड और फेलोशिप की कमी को दलित वोटर्स के बीच मुद्दा बनाना। साफ है कि महाराष्ट्र में दलित वोटर्स का अपना खास प्रभाव है। एक आकलन ये भी है कि महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा सीटों पर औसतन 15,000 के करीब दलित वोटर्स हैं, जबकि लोकसभा की 15 सीटों पर दलित वोटर्स किसी भी कैंडिडेट का भविष्य तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि सभी दलों की नजर इस बार दलित वोट बैंक पर टिकी हुई। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार दलित वोटर किसका सियासी चैप्टर क्लोज करते हैं और किसके लिए इतिहास का नया पन्ना लिखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो एक तरफ जहां दलित वोट बैंक पर सबकी नजर है, दलित वोटरों को अपने पाले में करने के लिए तमाम दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए बयान को लेकर घमासान छिड़ गया है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव में जब भी दलित वोटर्स की बात आती है, जब भी दलित मतदाताओं को रिझाने का एजेंडा बनाया जाता है तो बाई डिफॉल्ट संविधान और आरक्षण का मुद्दा अपने आप हावी हो जाता है। महाराष्ट्र के मौजूदा चुनावी माहौल में भी एक बार फिर ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने की। नाना पटोले ने बीते महीने अमेरिका के वॉशिंगटन DC में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी और RSS पर हमला बोला। राहुल गांधी जी ने जो बात बोली थी कि जब हमारे देश में सब लोग समान हो जाएंगे और सबको न्याय मिलेगा, सब आर्थिक और शैक्षणिक मजबूत हो जाएंगे तो आरक्षण ये अपने आप सोचने का विषय होगा, ये भूमिका राहुल जी ने रखी थी। और जब राहुल जी ने ये भूमिका रखी तो ये बाबा साहब की भूमिका है, और जब बाबा साहब की भूमिका, हम संविधान हमारा जो केंद्र बिंदु है बाबा साहब का विचारधारा है, और ऐसे समय में बीजेपी जो फेक नैरेटिव आरक्षण के बारे में डालती है वो उनको समझना चाहिए जिन लोगों को संविधान पता नहीं है। बीजेपी को अगर संविधान अगर पता होता तो डायरेक्ट UPSC के एग्जाम न लेते हुए जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के ऊपर लोगों को डिपुट करना RSS के, ये कौन से आरक्षण की बात करते हैं, कौन से संविधान की बात करते हैं? जो लोग संविधान का रोज मर्डर करते हैं, खून करते हैं, वो बीजेपी आज हमारे को संविधान समझाएगी? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान को बीजेपी के दिग्गज नेता और मौजूदा डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने मुद्दा बना दिया और इसके बहाने एक बार फिर राहुल गांधी और कांग्रेस पर करारा हमला बोला। नाना पटोले जी ने जो वक्तव्य दिया है और राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर आरक्षण के खिलाफ जो वक्तव्य किया था उसका पूरा समर्थन आज नाना पटोले जी ने किया है। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही है, आरक्षण की विरोधी रही है। इसी प्रकार के विचार नेहरू जी ने भी रखे हैं, इंदिरा जी ने भी रखे हैं, राजू जी ने भी रखे हैं, अब विदेशों में जाकर राहुल जी भी रख रहे हैं।
और उनके जो चेले हैं सब सारे वही बात कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब तक भारत का संविधान है और भारत में भाजपा है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाया।